साइबर ठगी की रोकथाम को लेकर राजस्थान के मेवात में हुई महापंचायत, साइबर ठगों की सूचना देने वाले को 21,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान का किया समर्थन। बता दें कि राजस्थान डीग जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी झीलपट्टी में आज साइबर ठगी जैसी अन्य कृतियों की रोकथाम को लेकर गांव में बरादरी के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर पंचायत में निर्णय लिया, अगर कोई भी साइबर ठगी व गोकसी जैसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो उसको 51,000 रुपए का दंड और पुलिस के हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आईजी राहुल प्रकाश का समर्थन करते हैं जो एंटीवायरस अभियान चलाकर साइबर ठगों को पकड़ रहे हैं। हम इस पंचायत में ऐलान करते हैं जो साइबर फ्रॉड करने वालों के बारे में सूचना देगा उसके लिए 21,000 रुपए का पंचायत इनाम देगी और उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ठगी के बारे में आज के बाद में जो कोई ठगी करेगा उसके ऊपर 52,000 रुपए दंड का और 21,000 रुपए जो बताए वो वागू और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पूरी बस्ती ने निर्णय लिया है आज के बाद में जो ऐसा करेगा उसको एक दफा नुकसान झेलना पड़ेगा। पुलिस को साथ देगी, पुलिस की पूरी बस्ती बता देगी, पुलिस वालों के नाम से क्या लाजायज आदमी के साथ वो सर बर्ताव नहीं हो। जो पुलिस मान ले तो मुल्टी है या मुल्टी बस्ती बनाती है या पीछे तो मुल्टी है वह पुलिस भूख पकड़ेगी, बाकी ना जाए घर में जो आदमी पुलिस मत सताए।